टैक्स के लिए इस गवर्नमेंट ने बहुत ही हैवी स्ट्रक्चर बना रखा है। जैसे आप देख सकते हो 2.5 लाख के ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ता है। तो मैं इस गवर्नमेंट से यही गुजारिश करूंगा कि टैक्स को बढ़ा के 2.5 लाख से 5 लाख तक किया जाए, क्योंकि पहले ही बिजनेस में इतनी इनकम नहीं है कि जो हम 2.5 लाख के ऊपर जाके भी टैक्स भरें। तो अगर 5 लाख तक की कुछ राहत मिल जाए तो इसलिए सभी आम जनता को फ़ायदा होगा और इससे ताकि बिजनेस अपना लोग बढ़ा सकेंगे। सबसे पहले तो बात ऐसे है कि जितना भी व्यापारी वर्ग है आज के टाइम में वो ख़त्म हो चुका है। और रही टैक्स की बात, वो टैक्स में कुछ ऐसी राहत सरकार की तरफ से आ नहीं रही। उसमें सरकार को ये है कि ये जो 2.5 लाख से ऊपर 5 लाख तक जो टैक्स है स्लैब बनाई है उसको और बढ़ाना चाहिए, जिसकी वजह से जनता को राहत मिले, छोटे व्यापारी हैं जो उनको भी राहत मिले, नहीं तो ये छोटा व्यापारी जो है ये ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल से। थैंक यू। बजट में तो देखो ऐसा है जी कि बहुत ठीक चल रहा है, तो हमारी तो इनकम टैक्स के बारे में ही है, अगर ये 2.5 लाख की जगह 5 लाख की छूट कर दें तो बहुत बढ़िया है आम लोगों के लिए, सभी के लिए। बजट तो 5 पे होनी चाहिए इनकम 5 लाख रुपए। दूसरे सब्सिडी चल रही 50 साल से देश में, ये सब नागरिकों के लिए बराबर होनी चाहिए। ये धांधली है, इसको देश लूट लिया, कोई गरीब नहीं रहा। अब ऊंची जातियां फेल होगी, रोटी की महताज होगी, छोटी जाति पे हर पार्टी डूब रही है। तो सरकार को बजट में सरकार को करना चाहिए, सरकार को 5 लाख रुपए की वो देनी चाहिए इनकम टैक्स पे रिबेट। दूसरे प्रशासन बढ़िया चल रहा है, लाल नाल्डर भी ठीक है, पर ये सब्सिडी बंद होनी चाहिए ए से लेके जेड तक। बजट के लिए ऐसा है जी, एक तो जो इनकम टैक्स है ना, इसमें ये जो लिमिट है एग्जेंशन है ये थोड़ी बढ़नी चाहिए, बहुत कम है। नंबर दो जो किसानों के लिए हम चाहते हैं, किसानों के लिए एक मध्यम है जो आड़ती बिचौलिए हैं उनको गवर्नमेंट ये चाहती है, अभी 2-3 बार हो चुका है, गवर्नमेंट चाहती है कि बिचौलिए निकाल दिए जाएं। बस ये कमजोर आदमी का ध्यान करे जी, थोड़ी उनको मतलब पेंशन पुंशन बढ़ाई जाए उनकी, जो भी है गरीब आदमी के लिए कुछ ना कुछ बजट में रह जाए बस। ओके जी। देखो एक तो फसलों के रेट है जो वो बढ़ने चाहिए, ठीक है। खाद दवाइयाँ के हैं जो रेट हैं वो कम होने चाहिए, जिसकी वजह से किसानों को फायदा हुआ। एक टाइम पर मुआवजा मिलना चाहिए, जैसे फसल ख़राब होगी, ओलावृष्टि होगी और कोई आपदा से कोई भी फसल ख़राब होगी तो उसका मुआवजा टाइम से मिलना चाहिए, ठीक है जी। इनकम बढ़नी चाहिए किसान। हाँ, इनकम तो बहुत ज़रूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि किसान नीचे ही जा रहा है दिन पर दिन। देखिए क्योंकि आप, मैं यहाँ आपको इंटरव्यू मंडी न्यू ग्रैंड मार्केट अम्बाला सिटी में दे रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरा मूलभूत जो है ना आंसर आपके लिए यही है कि बजट के लिए जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो बेचारे बड़े जिम्मेदार तो शायद अपने आप को कर लेते हैं एडजस्ट, जो छोटे एग्रीकल्चरिस्ट हैं ना उनको जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो रखता है, उनको जो उन्होंने अपनी लागत लगाई है अपार्ट फ्रॉम ऑल नेचुरल कैलेमिटीज़, दे मस्ट बी कंपनसेटेड हैंडसमली, और उनका जो उन्होंने जो मूलभूत उन्होंने जो अपनी मेहनत लगाई है उनको उनका पैसा पूरा मिले। उसके बाद ये है कि जो हम चाहती है ना, हमें बिचौलिया बोलती है, हम बिचौलिए नहीं, हम लेते हैं कमीशन, जिम्मेदार की रेट की हड्डी है आड़ती लोग, इसको ये गवर्नमेंट खत्म करना चाहती है, क्योंकि मेन जो जिम्मेदार बैंक से कब तक पूरा करेगा वो, अगर छुट्टी जाती है आड़ती जिम्मेदार जो आता है आड़ती के पास आता है, बैंक छुट्टी नहीं देता, आड़ती रात को 12 बजे भी देता है, इसका असर जिम्मेदार पर बहुत भारी पड़ेगा ना, जिम्मेदार को पूरा रेट मिलता है।